अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काफ़ी टाइम से हम इस चैनल पर वीडियो नहीं बना पाए थे, उसकी वजह भी बताएंगे और एक और चीज़ हुई है वो भी हम बताएंगे। काफ़ी टाइम से मैं दूसरे चैनल पर काम कर रहा था, एक और चैनल भी है हमारा उर्दू का, आप लोगों के सपोर्ट से वो चैनल भी मोनेटाइज हो गया, उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। तो उस चैनल पर हम काम कर रहे थे जिस कारण से इस चैनल पर कोई वीडियो नहीं डल पाई थी काफ़ी टाइम से, 5-6 महीने से। अब हमारा ये चैनल मोनेटाइज था, ठीक है, और हुआ क्या अभी उस बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या हुआ है। एक बड़ी चीज़ हो गई है। तो इस चैनल पर मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, उस चैनल पर वीडियोस बना रहा था, उस पर ध्यान दे रहे थे, रिवेन्यू भी उस चैनल पर बन रहा था। तो इस दौरान कुछ समय से, 6-7 महीने से इस चैनल पर कोई वीडियो नहीं डलती है। हालांकि मैं वाइट स्टूडियो खोलकर थोड़ा थोड़ा सा चेक कर लिया करता था, तो फिर भी व्यूज़ वगैरह थोड़े से शो हो जाते थे। बट आज सुबह अचानक से मैं देखता हूँ कि चैनल पर मोनेटाइजेशन ख़त्म कर दिया जाता है, मोनेटाइजेशन का ऑप्शन ही गायब हो जाता है, जो कुछ रिवेन्यू था वो भी ख़त्म हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अब टेंशन होती है, भाई क्या हो गया, मोनेटाइजेशन ख़त्म हो गया, रिवेन्यू शो नहीं कर रहा। तो मैंने बात की यूट्यूब जो हेल्प है, सपोर्ट है, कस्टमर केयर जिसको कह देते हैं, तो यूट्यूब हेल्प से टीम से बात की। आप काफ़ी देर तक बात करने के बाद, आप ये देख सकते हैं, मैं वीडियो में लगा देता हूँ कि काफ़ी देर तक बातचीत हुई। तो काफ़ी चेक करने के बाद उन्होंने बताया कि आपने पिछले काफ़ी समय से, आपने टाइम से, काफ़ी टाइम से वीडियो कोई अपलोड नहीं की थी, जिस कारण आपका जो है चैनल इनएक्टिव हो गया था और जो है आपका मोनेटाइजेशन ख़त्म हो गया, रद्द हो गया, कैंसिल हो गया है। तो मैंने पूछा आखिर कितने टाइम तक अगर अपलोड ना करें तो मोनेटाइजेशन ख़त्म हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि अगर 6 महीने या उससे ज़्यादा तक आप कोई वीडियो अपलोड नहीं करते हैं या कम्युनिटी पोस्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे में चैनल जो है डीमोनेटाइज कर दिया जाता है। तो ये हमारे साथ जो है हुआ है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि अगर कोई दूसरा ऐसा शख्स है जो यूट्यूबर है या वीडियोस बनाता है, बट किसी वजह से वो काफ़ी टाइम तक चैनल पर ध्यान नहीं दे पाता है, तो उसके साथ भी ये चीज़ हो सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है, अब इससे सीखने को क्या मिला है इस इंसिडेंट से। तो पहली चीज़ तो यह है कि आप अगर यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर थोड़ी सी मेहनत करते हैं, चैनल है आपका, मोनेटाइज है या नहीं भी है, तो अगर एक चैनल पर कुछ समय काम करने के बाद वो मोनेटाइज हो जाए, तो आप दूसरा चैनल ज़रूर रखें, ताकि किसी कारण से कॉपीराइट क्लेम आ जाए या स्ट्राइक आ जाए या रीयूज कंटेंट भी आ जाता है, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपका जो दूसरा चैनल है उस पर आप काम कर सकें, वो आपका बाकी रहे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि अगर चैनल हो आपका और आप उससे कुछ मोनेटाइज हो, तो भाई साहब 5-6 महीने तक आप, ऐसा ना हो कि 5-6 महीने तक आप उससे गफलत बरत दें और उसको जो है अवॉइड कर दें, ध्यान ना दें, जिस कारण से वह जो है चैनल मोनेटाइजेशन कैंसिल हो सकता है। तो ये दो बातें बड़ी थी, बतानी थी। और इसके अलावा आप चैनल पर मोनेटाइजेशन कैंसिल हो गया है, तो फिर भी हम जो है काम करते रहेंगे इस चैनल पर, इंशाल्लाह और वीडियोस आएंगी, तो दोबारा से कोशिश करेंगे मोनेटाइज हो जाए, और भी जो है लिटरेचर वगैरह, स्टोरी वीडियोस जो है, ये चीज़ें भी हम जो है कोशिश करेंगे कि एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन या एंटरटेनमेंट की वीडियोस भी हम अपलोड कर दें और हमारा चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाए। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियोस का वो चार दे दें, ठीक है, सब्सक्राइब तो हैं, तो वो चार मिलेगा तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। थैंक यू।